तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर परफॉर्म करेंगे AWS में। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक लिनक्स EC2 इंस्टेंस को हम लोग डोमेन का मेंबर बनाते हैं। जो मैंने डोमेन क्रिएट किया है, AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट की है, उसका मेंबर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, प्लस जो डोमेन का यूजर है उसको हम लोग कैसे लॉग इन कर पाते हैं अपने लिनक्स इंस्टेंस में, तो ये लैब परफॉर्म करेंगे। तो ये लैब बेसिकली किसी भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उडमी में, कोर्सेरा में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़, मैं मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल, और इसमें मैं एक जो लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूँगा उसको मैं डोमेन का पहले मेम्बर बनाऊँगा, और फिर उसमें मैं डोमेन का यूजर, जो एडमिन यूजर है, उसको लॉग इन करके दिखाऊँगा मैं आपको। तो देखिए, मैंने ये जो मैं दिखा देता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि कैसे AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हैं। तो मैंने इसमें AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है, जिसका नाम मैंने दिया है ध्रुव.com, ये मैंने नेम दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो लिनक्स बेस होगा, और उस लिनक्स EC2 इंस्टेंस को आप इसका मेंबर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, EC2 में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। तो देखिए, EC2 में आ गया, ये मेरा इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ। ये मेरा जो मैंने लास्ट प्रैक्टिकल दिखाया था, जिसमें मैंने ऑटो ज्वाइन दिखाया था, ऑटो ज्वाइन EC2 इंस्टेंस, वो वाला EC2 इंस्टेंस था ये मेरा। अब मैं लॉन्च EC2 इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं AMI सेलेक्ट करूँगा, तो AMI मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, Amazon Linux 2 AMI मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। T2 माइक्रो ही मैं लूँगा, नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा मैं, नेक्स्ट कर रहा हूँ। स्टोरेज 8 GB है, नेक्स्ट कर रहा हूँ। टैगिंग आपको देनी है, कोई टैगिंग आप असाइन कर सकते हैं, तो टैगिंग अगर आपको देनी है तो एक टैग कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेम डालिए, नेम ऑटो ज्वाइन लिनक्स AWS मैनेज AD, मैंने ये नेम असाइन कर दी, टैगिंग असाइन कर दी इसको। नेक्स्ट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैंने दिया है यहाँ पे, या सेलेक्ट कोई है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया लिनक्स लिनक्स ज्वाइन AWS डायरेक्टरी, मैं इसका नेम दे दिया। और यहाँ पे मैंने ऑल ट्रैफिक को सेट किया और इसको अलाउ कर लिया, नेक्स्ट किया एंड लॉन्च कर दिया। मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, और उसके बाद मैंने ऑटो ज्वाइन सिक्योरिटी पेयर दे दिया और लॉन्च कर लिया। तो मैंने इस तरह एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, जिसमें मैंने क्या किया है, ऑटो ज्वाइन का मैंने सिक्योरिटी की असाइन की है। अब देखिए, मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करते हैं, मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि पुट्टी और पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको लोड करेंगे। लोड में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये फाइल आपकी थी ऑटो ज्वाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये PEM फाइल आपने डाउनलोड की थी, इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सेव प्राइवेट की करेंगे, इसको यस करेंगे। इसका नाम आपने, मैंने दे दिया ऑटो ज्वाइन लिनक्स, मैंने और थोड़ा सा नाम मॉडिफाई किया, ऑटो ज्वाइन लिनक्स मैंने इसका नाम असाइन किया, सेव किया। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। अब मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा हूँ। पुट्टी सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए आपको इसका पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं पब्लिक आईपी इसका मेंशन कर देख लेता हूँ क्या है, यहाँ पे क्या मिला है मुझे पब्लिक आईपी। तो देखिए, पब्लिक आईपी जो उसमें मुझे मिला है, मैं इंस्टेंसेस में जाता हूँ, और इंस्टेंसेस में यहाँ पे मुझे, मैंने अपने, देखिए टैगिंग दिख रही मुझे, मैंने यहाँ पे, ये मेरा पब्लिक आईपी आ गया है, मैं इसको कॉपी किया,
पुट्टी में गया, मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे मेंशन की। उसके बाद एसएसएस में जाएंगे आप, ऑथ में जाएंगे, यहाँ ब्राउज में क्लिक करेंगे और जो आपने पीपीके फाइल जनरेट की थी ये वाली, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए यस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा EC2-user। देखिए मैं लॉगिन कर गया हूँ, यहाँ मैं sudo su- कमांड टाइप करूँगा तो देखिए मैं अपने रूट अकाउंट से लॉगिन कर गया हूँ। तो मैंने अपने रूट अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है। तो मैंने बेसिकली टास्क जो कमांड है बेसिकली इसमें मेंशन कर रखी हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने अपडेट यम अपडेट हाइफन वाई कमांड को अपडेट किया जिससे मेरी रिपोजिटरी या क्या होगी अपडेट हो जाएगी। तो मैंने यम अपडेट स्पेस हाइफन वाई कमांड को यूज़ किया जिससे मेरी जो यम सर्वर की रिपोजिटरी है वो अपडेट हो जाएगी। तो देखिए मेरी यम अपडेट स्पेस हाइफन वाई कमांड सक्सेसफुल रन कर गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए ये क्लीन अप चल रहा है और ये देखिए कमांड मेरी परफॉर्म हो गई है। उसके बाद मैं दूसरी कमांड है तो मैं ये देखो नैनो एक एडिटर होता है, नैनो के थ्रू मैं ETC के अंदर DHCP के अंदर dhcpclient.conf फाइल के अंदर जाऊंगा। ये इसकी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है क्लाइंट की, DHCP क्लाइंट की, सर्वर की नहीं, DHCP क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसके अंदर जाऊंगा मैं। तो नैनो एडिटर इसके थ्रू मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखिए ये फाइल आपको ऐसे ब्लैंक मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ मिलेगा आपको टाइम आउट 300 सेकेंड। इस फाइल के अंदर आपको ये लाइन मेंशन करनी है, ये भाई सुपर सेडे स्पेस डोमेन हाइफन नेम हाइफन सर्वर और आपके DNS सर्वर के जो IP हैं, जो आपके डोमेन के जो IP मिले हैं आपको, आपने जब AWS डायरेक्टरी सर्विस क्रिएट की होगी तो उसमें आपको दो DNS सर्वर के IP मिले होंगे, वो IP आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो मैं वो IP पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टरी सर्विस में जाना पड़ेगा। डायरेक्टरी सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा dhruv.com के में और देखिए ये आपके दो IP हैं। इस IP को आपने कॉपी किया, पहले आपने एक IP कॉपी कर लिया, उसको इस फाइल में अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद दूसरा IP आप कॉपी कर लीजिए। तो आप ऐसे ही दोनों IP को इस कमांड में अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे आपने दूसरा IP कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ से इतनी फाइल को कॉपी, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे और जो फाइल आपने एक्सेस की थी ये देखिए पुट्टी वाली फाइल, इसमें ऊपर जाके ये लाइन को पेस्ट कर देंगे। तो आपने सबसे ऊपर गया, इस लाइन को पेस्ट कर दिया। तो देखिए मैंने इसको ये लाइन को पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करना है और आपको बाहर निकलना है इस फाइल से। सेव करने के लिए होता है कंट्रोल ओ राइट आउट, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए राइट आपकी फाइल राइट हो गई है, सेव हो गई है। अब आपको बाहर निकलना है इस फाइल से, नैनो एडिटर से बाहर निकलना है। तो कंट्रोल एक्स एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो आपने फाइल में अपडेट कर लिया। आप देखना चाहते हैं तो कैट करके देख सकते हैं, कैट ETC के अंदर DHCP के अंदर DHC क्लाइंट के अंदर सॉरी dhcliient.conf फाइल है मेरी। तो देखिए आपकी वो फाइल वो आपने अपडेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप इस लोकेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपके नेटवर्क का बेसिकली फाइल स्टोर होती है, आपके जो नेटवर्क में आपको जो NIC कार्ड लगा है उसकी फाइल होती है जहाँ पे आप IP मेंशन करते हैं। तो इस लोकेशन में आपको जाना है, लोकेशन क्या है, ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, आप उस फाइल को देखिए कैट करके, उस फाइल का नाम होगा IFCFG-ETS0। इस फाइल को आपको देखना है कैट करके, तो फाइल को रीड करना है। तो फाइल में आपको रीड करने पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे peer DNS यस होना चाहिए। अगर यहाँ पे peer DNS नो है तो आप इसको चेंज करके यस कर देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे peer DNS आपको देखना है कि वहाँ पे यस हो। देखिए मैंने बता रखा है कि यहाँ पे peer DNS यस देखना है, अगर वहाँ पे नो है तो आपको उसको
यस कर देना, उसके बाद आपको इसको रिबूट कर देना है। रिबूट कमांड से आपको रिबूट हो जाएगा। तो देखिए ये रिबूट हो गया। तो सिंपल से आपने क्या किया, अब सबसे पहले आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। EC2 इंस्टेंस में आपने क्या किया, यम के पैकेज को अपडेट किया, यम अपडेट हाइफन वाई। उसके बाद आपने क्या किया, EC2 आपने इस फाइल को एक्सेस किया नैनो एडिटर के थ्रू, ETC के अंदर, DHCP के अंदर, dhclient.com फाइल को एक्सेस किया। और उसके अंदर आपने सुपर सेडे स्पेस डोमेन हाइफन नेम हाइफन सर्वर्स और आपके जो भी दो DNS के IP हैं, जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट की होगी तो उसमें दो आपके IP रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वो IP आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे दोनों ही DNS के। तो आपने IP मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने ये चेक किया आपके इथरनेट में कि आपका इथरनेट में पियर DNS आपका यस है कि नहीं है। तो चलिए मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, रिस्टार्ट सेशन में करता हूँ। तो देखिए लॉगिन एज आ गया, मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ लिखा EC2-user, तो मैं लॉगिन कर गया। फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा sudo su root, मैं रूट अकाउंट से लॉगिन हो गया। तो देखिए मैंने मेरी रिस्टार्ट करने के बाद मैंने फिर से अपने पुट्टी में उसको फिर से एक्सेस कर लिया। अब देखिए मुझे क्या करना होता है, अब मैं इंस्टॉल करूँगा SSHD पैकेज, रिलम MD पैकेज, कर्बरोस वर्क स्टेशन का पैकेज और सांबा कॉमन टूल्स के पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा यम कमांड के थ्रू। तो यम कमांड यम स्पेस हाइफन वी वाई इंस्टॉल SSHD रियलम MD KRB5 डैश वर्क स्टेशन एंड स्पेस सांबा कॉमन स्पेस टूल, ये पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए इन सारे के सारे पैकेज वो इंस्टॉल करेगा, 40 पैकेज थे जो इंस्टॉल करेगा। तो ये देखिए सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं और ये मेरे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कमांड के थ्रू sudo rilm join hyphen u, means यूजर, यूजर जो मेरा है, मुझे मैंने बता रखा है वो यूजर का नेम है admin@dhruv.com। तो आप उस यूजर के थ्रू डोमेन को ज्वाइन कराना चाहते हैं, इस सर्वर को उस डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं, तो sudo rilm स्पेस ज्वाइन हाइफन यू, मतलब यूजर, यूजर कौन है मेरा, जो मेरा यूजर AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट हुआ है। मैंने आपको बताया किस नाम का यूजर क्रिएट होता है, एडमिन नाम का यूजर क्रिएट होता है। तो admin@dhruv.com, इसके बाद स्पेस आपने डोमेन का नेम मेंशन किया dhruv.com, ये डोमेन का नेम मेंशन किया है। तो आपने बताया इस डोमेन का मेंबर बनिए, इस यूजर नेम के थ्रू बनिए, यूजर नेम जो है इस यूजर नेम के थ्रू बनिए। तो आप इस कमांड को बेसिकली कॉपी कर लीजिए और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा डोमेन ज्वाइन करने के लिए पासवर्ड। तो यहाँ पे वो पासवर्ड आप असाइन करेंगे जो आपने AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी बनाते समय पासवर्ड असाइन किया था, वही पासवर्ड आप यहाँ पे असाइन करेंगे। तो पासवर्ड मैं असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करिए, एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आएगा सक्सेसफुली इनरोल्ड मशीन इन रियलम। तो आपकी ये मशीन जो है वो डोमेन की मेंबर बन गई है, उस डोमेन की ये मेंबर बन गई है। अब देखिए क्या करना होता है, तो मैंने डोमेन का मेंबर बना लिया उसे। अब देखिए क्या करना होता है, अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है वो उसमें लॉगिन कर जाए। तो उसके लिए बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे SSH में। SSH में बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो होता है, जब जो SSH की फाइल होती है। इस समय मैं इसको देखिए, इस जो कमांड को एक्सेस कर रहा हूँ इसे SSH कहते हैं, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल के थ्रू ही लिनक्स एक्सेस होता है। तो सिक्योर सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डिसेबल होता है, मुझे उसे इनेबल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं जब यूजर लॉगिन करूँगा तो उसका पासवर्ड मुझे असाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं देखिए नैनो के थ्रू इस फाइल को एडिट करूँगा। फाइल का नेम क्या है, ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD-_config फाइल, इस फाइल को मैं एडिट करूँगा। तो मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिखा नैनो स्पेस ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD के अंदर कॉन्फिग फाइल को मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पे इस फाइल में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आपको ये सर्च करना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये सर्च करना है आपको, सर्च करना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया, सर्च करने के लिए देखिए क्या होता है, आपको कैसे सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल साथ W प्रेस करेंगे, वेयर इज, मतलब सर्च करेंगे, कंट्रोल साथ W प्रेस किया आपने। आप देखिए आपको क्या करना है,
आपको करना है यहाँ पे जो आपने सर्च करना है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। तो देखिए आपने वो सर्च कर लिया। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट नो है, ये देखिए ये वाली लाइन। तो यहाँ पे आपको नो की जगह क्या करना है, आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपने यहाँ पे नो की जगह क्या करना है, आपको यस करना है। तो आप नो को हटा दीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखिए यस। अब आपको सेव करना है और सेव करके बाहर जाना है। सेव करके बाहर जाने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, सेव करने के लिए होता है कंट्रोल ओ के साथ राइट आउट, मतलब कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। बाहर जाने के लिए ये कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। तो आप इस फाइल से बाहर आ गए। तो आपने सेव करके इस फाइल में बाहर आ गए। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको सर्विस को SSH की सर्विस को रिस्टार्ट करना है। तो सर्विस रिस्टार्ट करने की कमांड होती है सर्विस SSHD रिस्टार्ट। तो जो आपने चेंजेस किए हैं उसको इफेक्ट हो जाए, उसका इफेक्ट अप्लाई हो जाए, उसके लिए आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस किया, इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए मैं SSH की सर्विस को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सर्विस रिस्टार्ट हो गई मेरी। तो ये मेरी सर्विस रिस्टार्ट हो गई इस कमांड के थ्रू। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में जाना है, VI/sudo फाइल में जाना है और उसमें सबसे नीचे लास्ट में जाके ये फाइल को एंटर करना है, ये अपडेट करना है। तो देखिए मैं VI/sudo को एक्सेस करूँगा और उसमें सबसे लास्ट में जाके मुझे ये लाइन को मेंशन करना है। तो मैं VI/sudo यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट VI एडिटर के थ्रू एक्सेस होगा। VI एडिटर के थ्रू एक्सेस होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में चले जाइएगा आप। सबसे लास्ट में आप जब चले जाएंगे तो देखिए सबसे लास्ट में आ गए। अब आप यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट की जो की होती है, आपको कुछ टाइप करना है तो आपको इंसर्ट करना पड़ता है। इस जो VI एडिटर होता है उसमें अलग से आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसमें अगर कुछ फाइल को मैं आपको इंसर्ट करना है या कुछ डिलीट करना है तो आप सबको सबसे पहले इंसर्ट की प्रेस करनी होगी। तो आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड में इंसर्ट की होगी आपकी ऊपर साइड में, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट लिख के आ जाएगा, नीचे देखिए इंसर्ट लिख के आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसमें एक लाइन ऐड करनी है। वो लाइन क्या ऐड करनी है, आपको ये वही लाइन ऐड करनी है, परसेंटेज AWS/space delegated/space administrator@theRateDhruv.com ऑल इज इक्वल टू ऑल कॉमा ऑल सेमी कॉमा ऑल स्पेस ऑल। ये लाइन को आपने कॉपी करनी है। तो आपने इसको सिंपल सा कॉपी किया और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो आपने देखिए पेस्ट कर दिया सेम लाइन को। अब आपको देखिए इसको सेव करके बाहर जाना है। तो आपको कैसे सेव करके बाहर जाएंगे, आप सबसे पहले एस्केप की को प्रेस करेंगे। आप जो आपके कीबोर्ड में ESC एस्केप की जिसे कहते हैं उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट हट जाएगा। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, उसके बाद W मतलब सेव करना है और क्विट मतलब बाहर जाना है, सेव करके बाहर जाना है। तो W मतलब राइट करना है और Q मतलब बाहर जाना, क्विट करना है मतलब बाहर जाना है। तो सेव करके इस फाइल से आप बाहर चले जाएंगे। तो अपने कॉलम W को यहाँ पे मेंशन किया और सेव करके आप बाहर चले गए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रिस्टार्ट करना है। तो रिबूट करना है आपको, रिबूट। तो रिबूट कर दिया आपने, फिर से आपकी EC2 मशीन रिस्टार्ट होगी। अब रिस्टार्ट होने के बाद अब इसमें मैं सिंपल सा EC2-user से लॉगिन नहीं करूँगा। अब मैं इसमें लॉगिन करूँगा admin@theRateOfDhruv.com यूजर से लॉगिन करूँगा और उसका पासवर्ड मैं असाइन करूँगा। और तो आप देखिएगा कि ये जो लिनक्स EC2 इंस्टेंस है, पहले मैंने उसको मेंबर बनाया है आपका AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी का, और फिर मैंने उसको मैं परमिशन दी है कि इसमें पहले पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो था उसे यस किया जाए, और VI/sudo के थ्रू उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को लॉगिन करने की परमिशन दी है मैंने। तो देखिए अब मैं जब ये EC2 इंस्टेंस मेरा रेडी हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें किस यूजर से लॉगिन करूँगा, एडमिन यूजर से लॉगिन करूँगा, admin@theRateDhruv.com यूजर से लॉगिन करूँगा और उसी का पासवर्ड मैं असाइन करूँगा। तो देखिए मैं इसको रिकनेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको रिस्टार्ट सेशन करता हूँ। तो देखिए मेरा सेशन यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया। अब मैं देखिए लॉगिन एज में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ admin@theRateDhruv.com, जो मेरा AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है उसको मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, admin@theRateDhruv.com का पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड मैंने असाइन किया, ये वो पासवर्ड है जो आपने AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी बनाते समय असाइन किया है, वो पासवर्ड आप मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे पासवर्ड
डालते हुए नहीं दिखेगा, डॉट 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 ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आप पासवर्ड सही डालिएगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो देखिएगा आप वहाँ पे लॉग इन कर जाएंगे। तो देखिए इस समय मैं लॉग इन कर गया हूँ, किससे लॉग इन हूँ, एडमिन एट द रेट ध्रुव डॉट कॉम से लॉग इन हूँ। देखिए एडमिन एट द रेट ध्रुव डॉट कॉम से मैं लॉग इन हो गया हूँ। तो देखा फ्रेंड्स कैसे एक EC2 लिनक्स EC2 इंस्टेंस को आप AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बनाते हैं और कैसे उसमें जो अपने AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हैं उनको लॉग इन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल प्लीज़। थैंक यू।